दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लाया हूँ, जिससे गाइस आप अपने स्पेक्टेटर को अमेज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर से देखना और ट्रिक को पूरी तरह से सीख के जरूर से जाना और लाइक कर देना, और नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब लिख के उसे सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे आने वाली मेरे इसी तरह की मैजिक ट्रिक आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलते हैं ट्रिक देखने, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ये ट्रिक करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह के दो इरेजर लेना है और एक के ऊपर का कवर हटा के इस तरह से उस कवर को काट लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से काट लेना है और जो ये कवर है उसे यहाँ से हटा लेना है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर हटा लेना है और इस कवर को यहाँ पर चढ़ा देना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सामने से इस तरह से लग रहा है कि ये पूरी तरह से कवर्ड है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से आधा कट चुका है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको लगा देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है, आपको इस कवर को भी इसके ऊपर चढ़ा देना है। किस तरह से चढ़ाना है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कट लगा दिया है जिससे गाइस आपका जो कवर है इसके ऊपर चढ़ सके। तो गाइस जिस तरह से आपके फर्स्ट कवर के ऊपर सेकंड कवर चढ़ा देना है इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको सेटअप करना है। गाइस उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने स्पेक्टेटर को बताना है आपका इरेजर इस तरह से, ओके। और उसके बाद क्या करना है, आपके इरेजर को इस तरह से जो कवर है इरेजर के ऊपर उसे इस तरह से निकालना है उसके ऊपर से, ओके। बहुत ही आराम से निकालना है, सॉफ्टली इस तरह से निकालना है और गाइस इस तरह से आपके कवर को यहाँ पर रख देना है। और गाइस आपके स्पेक्टेटर को इस तरह से ये वाली साइड दिखा देना है। तो गाइस आपके स्पेक्टेटर को लगेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस पोर्शन कुछ भी नहीं, ओके। तो गाइस उसके बाद आपके जो इरेजर है उसे इस तरह से हाथ में ले लेना है, ओके, इस तरह से लेना है। और जो आपका कवर है यहाँ पर इसके नीचे ज़रा सा ग्लू लगाना है, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं, आपको यहाँ पर ग्लू लगाना है जिससे जो कवर है इस तरह से स्टील रहे, ओके गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके कवर को वैनिश करना है। किस तरह से करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है उसका जो थंब है, ओके, उसे इस तरह से आगे लाना है और उसके मदद से आपके जो कवर को उसे पीछे ढकलना है। और गाइस देख सकते हैं जो मेरा कवर है वो नीचे गिर गया है, तो इस तरह से आपको थंब के जरिए आपके कवर को पीछे डाल देना है जिससे आपका कवर नीचे गिर जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि वो कवर वैनिश हो रहा है। तो इस तरह से आपको आपके स्पेक्टेटर को इल्यूजन देना है। तो गाइस उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताया था, इस तरह से आपके हाथों को मसल देना है जिससे सामने वाले को लगेगा जो आपका कवर है वो वैनिश हो रहा है, ओके गाइस। यहाँ पर हमारा कवर तो वैनिश हो चुका है, लेकिन हमारे कवर को फिर से प्रोड्यूस करना है हमारे इरेजर के ऊपर। तो किस तरह से करना है यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ। जो मेरा सेकेंड वाला कवर है वो अभी तक अपनी जगह पर ही है, तो इस तरह से आपका जो कवर है वो इस तरह से आपको हाइड रखना है और आप देख सकते हैं जो आपका इरेजर है आपके स्पेक्टेटर को कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके गाइस। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपके कवर को प्रोड्यूस किस तरह से करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपका हाथ बंद कर लेना है, ओके, इस तरह से आपको हाथ बंद कर लेना है और यहाँ पर आपका कवर आपके इरेजर के ऊपर। तो गाइस देख सकते हैं इसी तरह से आपको करना है। और तो गाइस ये मैजिक ट्रिक करने का और एक तरीका है, यहाँ पर मैं आपको बताया था, यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह से इरेजर का कवर निकालना है और आपके पॉकेट के अंदर डालना है इस तरह से, ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके जो इरेजर है मुट्ठी बांधनी है और यहाँ पर आपके स्पेक्टेटर को बताना है कवर फिर से आ गया है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली मुझे पता है आप कर सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आएंगी तो ज़रूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जो कि इसके नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर, और बेल आइकन जरूर से दबा देना जिससे आने वाली मेरी हर मैजिक रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।